वही अगली खबर कोटा जिले से है, जहां कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले में गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर शनिवार रात्रि को विज्ञान नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फ्लैट को सीज कर दिया। आपको बता दें कि सुवालका एंड सुवालका रेजिडेंसी में रहने वाले एक छात्र ने 3 दिन पहले फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और जिस कमरे में छात्र ने फांसी का फंदा लगाया था उस कमरे में पंखे में कोई एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं थी, जिसके तहत जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए फ्लैट मालिक को नोटिस जारी कर फ्लैट को सीज कर दिया। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट।